जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। बहुत दिनों बाद आज हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। सॉरी फॉर द लेट वीडियो गाइस, कुछ पर्सनल रीजंस थे जिनकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। गाइस आज हम लोग जो वीडियो जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो लाइट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला डेरिवेशन है। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, हम लोग आज न्यूटन्स फार्मूलों को डिराइव करेंगे फॉर द थिन लेंसेज। बच्चों जो 12th स्टैंडर्ड में लेंसेज कोर्स में हैं वो बच्चों केवल थिन लेंसेज ही हैं। इतने थिन हैं कि अगर मैं उनको एज ए लाइन के तौर पे भी ड्रॉ कर दूं तो भी आप इसको करेक्ट मान सकते हैं। गाइस ये एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम जानना चाहें कि इसका ऑप्टिकल पॉइंट प्रकाशिक बिंदु कहां पर है, सो गाइस वो यहां पर होता है बीच में। सो गाइस सारी डिस्टेंस यहीं से मीजर करनी होती है और इसके अंदर से डिस्टेंस को मीजर तो किया नहीं जा सकता है, बिकॉज ऑफ दैट ये लेंस के भीतर कहीं पर है। तो हम लोग आज देखेंगे कि डिस्टेंस को अगर हम फोकस से मीजर करें तो वो कितना हेल्पफुल होगा हमारे लिए। सो गाइस जरा ध्यान दीजिएगा, ये इसका फर्स्ट फोकस है F1, ये इसका सेकेंड फोकस है F2। कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो स्ट्रेट यहां पर रखा हुआ है गाइस, ए बी एक ऑब्जेक्ट है। गाइस इस ऑब्जेक्ट को यहां पर मैंने प्लेस कर दिया है फर्स्ट फोकस से इंफिनिटी के बीच में कहीं पर, ये ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इससे गाइस पहली जो रे चलती है वो पैरेलल होगी, पैरेलल है हमारी, और इसके बाद ये डेविएट होके सेकेंड फोकस से जाएगी एज इट इज। और इसके बाद गाइस सेकंड जो हमारी रे इससे निकलेगी वो फ्रॉम द फर्स्ट फोकस जाएगी और इससे डेविएट होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी गाइस प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर बच्चों, जहां पर इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया है वहीं पर गाइस आप देखिए इसकी इमेज फॉर्म हो गई है I डैश। अभी हमें इसके नेचर के बारे में नहीं बात करना है, ऑब्जेक्ट बड़ा बना है छोटा बना डजंट मैटर। अभी गाइस हम लोग केवल फोकस, फोकल लेंथ और इनके डिस्टेंस पे ही जाकर के इस डेरिवेशन को देखेंगे। हम गाइस मान लेते हैं कि इसका जो फोकस है वो एफ है, सॉरी इसका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है बच्चों वो एक्स है फ्रॉम फोकस, और फोकल लेंथ जो है फर्स्ट वो एफ है हमारी, एफ फोकस है बच्चों ये, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स पे है। इसी तरह सेकंड फोकस की डिस्टेंस को हम एफ डैश मान ले रहे हैं और सेकंड फोकस से इमेज की डिस्टेंस को आई डैश यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक्स डैश इमेजिन कर ले रहे हैं। गाइस इन लेंथ को जरा ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्वेक्स लेंस से इस फोकस की डिस्टेंस एफ और इस फोकस की डिस्टेंस एफ डैश, फ्रॉम फर्स्ट फोकस टू ऑब्जेक्ट एक्स है और फ्रॉम सेकंड फोकस टू द इमेज है एक्स डैश। इन डिस्टेंस को अभी हम लोग यूज करने जा रहे हैं। गाइस यहां पर मैं इनको नाम दे दे रहा हूं आपके जो भी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू है। मैं इनको गाइस यहां बाहर निकाल दे रहा हूं जिससे आपके लिए समझना ईजी हो जाए। सो गाइस ये अब आप अगर इन वन और टू को देखें तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ए बी, इसके अंदर मैं इसको लिख दे रहा हूं बच्चों पी क्यू और आर। तो गाइज ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर। अब देखिए गाइज ये 90 और ये 90 और ये दोनों आमने सामने के कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने छोटे क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि दो ट्राइंगल दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती हैं तो इन एंगल्स को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये दोनों इक्वल होते हैं थोड़ा सा वो गाइज लाइज अगर रेज सही नहीं बनी सही कर लीजिए। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्राइंगल को लेकर के 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है गाइस वो इक्वल होता है। चलिए मैं दोनों ट्राइंगल के नेम लिख देता हूं, देखिएगा इन ट्राइंगल ए बी एफ वन एंड दूसरा देखिए बच्चों आर क्यू एफ वन। गाइस पहले में परपेंडिकुलर ए बी, सेकेंड में परपेंडिकुलर क्यू आर, फर्स्ट का बेस गाइस ए एफ वन और सेकेंड का गाइस क्यू एफ वन।
इसी तरह से अगर मैं इधर दो ट्राइंगल्स को देखूंगा, इन दोनों को अगर आप देखें जहां मैंने 3 और 4 नंबर डाल दिया, 3 और 4 नंबर्स को आप निकाल के अगर बाहर बनाना चाहें तो मैं इनका नाम लिख दूं अगर, तो क्या बनेगा, PQ F2 और ये I और I डैश, ये गाइस 90-90 हो जाएंगे दोनों, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट मींस दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल गाइस क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो अब मैं फिर ट्राइंगल ले रहा हूं कौन सा, PQF2 एंड I-IF2। अब इन दोनों को हम सिमिलर बोलेंगे, तो परपेंडिकुलर PQ अपॉन परपेंडिकुलर II' इक्वल टू बेस क्या है गाइस, QF2 है, और उसका गाइस क्या है आपका IF2। अब बच्चों बस एक लाइन, अ सिंगल लाइन, आप ध्यान दीजिए, डेरिवेशन हो गया गाइस, जरा ध्यान दें, यहां पर जो PQ है वो PQ आप देखिए पैरेलल रेस थी, तो PQ इक्वल टू AB है हमारा, PQ इक्वल टू गाइस हमें क्या लेना है, AB लेना है, ध्यान देंगे, और यहां देखे तो QR गाइस इक्वल है किसके, आपके II' के, तो II' की जगह में गाइस क्या हो जाएगा हमारा, QR हो जाएगा, दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज PQ की जगह में AB और यहां पर II' की जगह में QR इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, QF2 अपॉन में IF2। ये गाइस इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब आप देखें ये साइड दोनों की सेम हो गई, दैट मींस ये साइड भी सेम होगी, सो गाइस हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा गाइस, यहां पर AF1 अपॉन QF1 इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा गाइस, QF2 और अपॉन में क्या हो जाएगा गाइस, IF2। अब यहां पर बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि जो डायमेंशंस हैं उनके सिंबलाइज नहीं करते, लेकिन मैं यहां पर इनके डिस्टेंस को विद साइन रखूंगा। सो गाइस देखिए ये जो AF1 है, AF1 वो गाइस अगर आप देखेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और आप देखें F1A इधर तरफ नापा जाएगा, जिस तरफ रेस जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नापेंगे तो हम कहेंगे AF1 जो है वो निगेटिव एक्स होगा। QF1 को देखें वो भी बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में है रेस के, तो माइनस का एफ होगा। इधर अगर हम देखें QF2, सो गाइस ये राइस जिधर रेस जा रही है उसी डायरेक्शन में है QF2, दैट मींस F' को हम पॉजिटिव लेंगे, और इसके अलावा IF2 को अगर आप देखें तो ये भी उधर ही तरफ है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा X'। अब इनकी वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें गाइस, अगर आप सिंबल ले या ना ले उससे फर्क नहीं पड़ता कोई, आपको आफ्टर द डेरिवेशन सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी जब हमें पता है कि क्या हमें सिंबल लेने हैं तो उनको क्यों ना यूज करें। सो गाइस अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, -X, यहाँ पे क्या रखेंगे -F, यहाँ पे रखेंगे F' और यहाँ क्या रखेंगे X'। अब आप देखेंगे माइनस कैंसिल हो जाता है, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई XX' और इक्वल टू F F' हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। सो गाइस इसमें किन्हीं तीन चीजों की अगर हमको जानकारी हो तो हमें चौथी चीज बड़ी इजीली मिल जाती है। बस यहां ध्यान देना इस बात को होगा कि ये फॉर्मूला केवल वेरी थिन लेंसेस के लिए ही सही है। गाइस अगर हम ये मान लें, हम इसमें दो कंडीशंस लेके चलेंगे। पहली कंडीशन गाइस देखिएगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है जो यहां रखा हुआ है ये अगर खिसक के F1 पर आ जाए, अगर ये यहां पर ना हो खिसक के गाइस कहां पर आ जाए, F1 पे आ जाए, तो हम कहेंगे कि X0 हो जाएगा। तो हम कहें कि अगर इफ X=0 तो आप देखेंगे अगर X0 हो जाएगा तो यहां से आप देखेंगे F F' = XX', तो F F' upon X' upon X=X'। अब अगर X की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो X' बराबर आएगा FF' upon 0, दैट मींस X' क्या आएगा गाइस, इंफिनिटी। इसका मतलब जो इमेज है वो इनफिनाइट पे बनना शुरू हो जाएगी। ये आप यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस कर लीजिएगा, पहली चीज तो कि अगर मान लीजिए हमारा जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो खिसक के आपका गाइस F1 पर चला जाता है, फर्स्ट फोकस पे चला जाए खिसक के, यहां पर आ जाए F1 पर, तो हमारा X0 हो जाता है
और अगर x जीरो हो जाए और x डैश की वैल्यू निकाले तो इनफिनाइट निकल के आती है, अनंत आती है। दूसरा कंडीशन गाइस चेक करिएगा, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन, अगर दोनों साइड मीडियम एक जैसा हो जाए, मीन्स लेंस के ऑब्जेक्ट साइड में और इमेज साइड में एक जैसा ही मीडियम हो जाए, तो दोनों मीडियम अगर एक जैसे हो जाए तो हम ये कहेंगे कि हमारा इधर की जो फोकल लेंथ है और उधर की फोकल लेंथ बराबर हो जाएगी, एफ इक्वल टू माइनस एफ डैश हो जाएगा। थोड़ा सा गाइस थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, साउंड बाहर गा रहा होगा बहुत सारा, क्योंकि अभी इस तरह का कोई ऑफिस तो मेंटेन नहीं किया गया, इस बच्चों कमरे पे ही चल रहा है ऐसे जनरली। आप लोगों का प्यार स्नेह मिलता रहा तो प्रयास करेंगे कि हम लोग एक अच्छा सा स्टूडियो मेंटेन करें। बीच में थोड़ा सा हताशा सी भी महसूस हुई, जिस तरह से मैं मेहनत करता रहा उसका रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे मुझे। रिजल्ट मीन्स मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए, आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन चाहिए। बट थोड़ा सा निराशा हुई, लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझे अपना प्रयास करना चाहिए और आपको जो मेरे पास है मुझे देना चाहिए, बदले में मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। सो इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। सो गाइस यहाँ पर अगर मैं एफ की जगह पे माइनस का एफ डैश रख दूं या एफ डैश की जगह पर माइनस का एफ रख दूं, तो हम कह सकते हैं एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हमारा बन सकता है गाइज, ये भी इसका एक रिजल्ट है। सो गाइज एक न्यूटन्स लॉ का जो है वो फॉर द थिन लेंसेज एक डेरिवेशन है, और हमने आपको बता दिया इस वजह से इसको डिराइव किया गया, क्योंकि इसका जो प्रकाशिक केंद्र, जो इसका ऑप्टिकल पॉइंट है, वो लेंस के बीच में होता है और वहां से डिस्टेंस को मेजर नहीं किया जा सकता है। गाइस मैं चाहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। सो गाइस इसमें इस वीडियो में मैंने आपको लेंस का ये जो पहला डेरिवेशन है, बहुत ही छोटा सा मैंने डेरिवेशन सेलेक्ट किया था इसी वजह से, तो उसको डिराइव करके मैंने दिखा दिया। इस डेरिवेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मींस अपने चैनल में किस तरह के और सुधार करने चाहिए, और मैं प्रयास करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए काम कर सकूं। फॉर अगेन सॉरी फॉर द लेट, जो पीछे देरी हुई, वीडियो बीच में नहीं आ सकी, लेकिन आप सबके प्यार से मैंने दोबारा मुझे वापस बुलाया, थैंक्स फॉर दैट। सो गाइस कैसा लगा वीडियो और आपको टॉपिक कैसा समझ में आया, क्या चीज़ें आपको समझ आई, क्या परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग योर चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।